ये थे जनाब सैयद गुलशन शहजाद शाह साहब। अब आपके सामने कारियुल कसाइद मलिक कलब अब्बास अलवी साहब, मालिक की जलीलातुल कदर बारगाह में जलीलातुल कदर सजदा जिक्र पेश करेंगे, और उनके फौरन बाद पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब अहमदपुर सियाल, और उनके बाद कारियुल कसाइद जनाब यासिर गुफार कौसर साहब रावलपिंडी से, और उनके बाद शाहिद बल्तिस्तानी नोहा खान मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता नोहा खान है शाहिद बल्तिस्तानी। मैं कलब अलवी साहब से इंतहाई माजरत के साथ मैं गुजारिश करूंगा, आप मौला के जाकिर हैं, बेशक वो भी मेहमान थे, आप भी मेहमान हैं, मगर आप मौला के मिंबर पे आते हैं, आपको थोड़ा सा अदब का जो है ना ख्याल रखना चाहिए। हम सैयद हैं, मामू सैयद हैं, मैं उनका भांजा हूं, मैं सैयद हूं, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, आपका भाई मुझे धक्के दे रहा है, आप कह रहे हैं मैं भी तो मेहमान हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं जी, ये मिंबर में इस तरह की तहजीब होनी चाहिए, आप जगह जगह पूरे मुल्क में पढ़ते हैं, आप प्लीज एहतियात किया करें। जनाब कलब अब्बास अलवी साहब सैयद इला के बह गए ना, सलवात पढ़ो बाबा जी बलम जी सले आलम शहीदा के गोडिया च एक सलवात बाबा जी बुलंद पढ़ो जी। आराम ना शाह जी बहु मेहमान हो, तुम थोड़ी मेरी कड़ा कंध साजी है, मैं भी मेहमान हाँ, तुम मिंबर तक खलो के सारिया गल् कर दी, की मैं कर रहा यार समझाओ इन्हों, सलवात बड़ो बाबा जी बुलंद जी, मेरी थोड़ी कंध साझी है, वेखो जी सैयद आए ने, मैं सारे दे गोडी हाथ लाए, इन्हों दे चांदी निकलती है गोडिया चो, सैयद समझ हाथ लाया कि सारे सैयद हूं सिर ते चढ़े रहन, कोई अदब हया होंगे यार, असी सैयदां दे नौकर हाँ, सलवात पढ़ो बाबा जी बुलंद जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बिस्मिल्लाह नारे तकबीर, नहीं पढ़ने देना, सैयद दिया।